अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदेद कहता है। आईपीएल के बस आखिरी मैचेस बाकी हैं और क्या चल रहा है इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग में, और जो इंग्लैंड के प्लेयर्स छोड़कर गए हैं आईपीएल प्लेऑफ से पहले, उनके हवाले से खासी बातचीत हो रही है इंडिया में, और उसके साथ साथ टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंसेज मुतवक्के हैं या जो अभी तक ख्यालात हैं लोगों के मुख्तलिफ। ब्रायन लारा ने भी अपनी टॉप फोर टीमों को का ऐलान किया है, फिर जयशाह साहब भी बोले हैं, उन्होंने भी अपनी टॉप फोर टीम जो है उसमें यकीनी तौर पर इंडिया को रखना ही रखना है। तो इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं भारत से हमारे सहाफ़ी दोस्त रोहित साहब हमारे साथ मौजूद है। रोहित साहब आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं, फिट हैं? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया, आप भाई सब बढ़िया, आप बताइए। वेलकम करता हूँ आपको एक मतलब फिर अपने देखने वालों के लिए। रोहित साहब क्या चल रहा है जी, ये काफ़ी बातचीत हो रही है इंग्लैंड के क्रिकेटर्स के छोड़कर जाने पर आईपीएल में? नहीं, वो तो पहले से पता था उसमें। अब अगर आप कोई आकर इस तरह की बातें कर रहा है कि क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं करना चाहिए था, तो वो तो पहले से मालूम है आपको। और पहली ऐसा भी नहीं है कि पहली दफा हो रहा है, कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। सिर्फ इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, तमाम मौकों पर ऐसा हुआ है कि जब जिनकी बायलैटरल सीरीज शुरू हुई है या किसी को भी लगा है कि ये इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो वो टीम के खिलाड़ी जाते हुए नजर आए। इसमें कोई नए तरीके का हल्ला क्यों है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इरफान पठान का ट्वीट पढ़ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों इस बारे में लिखा, या फिर कोई भी जो ये कह रहा है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो मतलब वो तो हमेशा से होता है, पहली बार थोड़ी हो रहा है। और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि अचानक से कोई सीरीज आ गई बीच में, सीरीज हमेशा से पहले भी रही है, पहले भी लोग खेलने आते रहे, पहले भी लोग खेल कर जाते रहे, प्ले ऑफ के टाइम पे खेल के जाते रहे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का शोर करना कोई वाजिब बात है। अच्छा, दूसरा सर, सुनील गावस्कर साहब ने भी बात की, वो भी दो तीन दिन पहले, तो ये जो है इरफान पठान इन्होंने इस पर बात की, तो उससे पहले सुनील गावस्कर साहब का भी नाम भी खासा खबरों में रहा। नहीं, मेरे को लगता है इस अगेन जैसा मैंने कहा कि इस चीज को देखो, सब जो भी आप चाहे इरफान पठान हो चाहे सुनील गावस्कर हो, सब ग्रेट्स हैं, सब बढ़िया है। सुनील गावस्कर तो ग्रेट ही है, इरफान पठान ने भी बहुत क्रिकेट खेली हुई है, T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं, बढ़िया परफॉर्मेंसेस रही हैं। लेकिन आप इन चीजों पर बहुत सब्जेक्टिव से हो जाते हो, मेरे हिसाब से आप बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते इन चीजों पर। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अचानक से आपको बोला होता या पहली बार ऐसा हो रहा होता, तब आप उस पर नुक्स निकालते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको आना है तो पूरा आओ, नहीं आना तो बिल्कुल मत आओ। लेकिन आईपीएल कभी इस तरीके से इन शर्तों पे खेली नहीं गई है। आईपीएल तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से खेली गई है, जिसके पास जब टाइम है, जितना टाइम है, अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कि भाई फ्रेंचाइजी को लगता है कि हमें जॉस बटलर 14 मैचेस में, अगर 10 मैचेस में मिल रहा है तो हम लेना चाहते हैं, तो वो ले रहे हैं। इसमें आपको, आप क्यों कुछ कह रहे हो? मतलब अगर मैं अपनी अगर कोई फ्रेंचाइजी मुझे खरीद रही है और उसे उसने उसका उसको उस कीमत देने के बाद ये लगता है कि अगर ये 7 मैचेस भी मेरे के लिए खेल लेंगे तो मेरे लिए काफी है, तो फिर बाकी वो एक मैच खेले, दो मैच खेले, चाहे वो 16-17 मैच खेले, 14 लीग गेम खेले, मुझे लगता है इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब ये फ्रेंचाइजी और प्लेयर के बीच की बात है। फ्रेंचाइजी को लगेगा कि यार ये 14 मैचेस नहीं खेल रहा है और हमें नहीं चाहिए, तो वो आएगा ही नहीं। बट राजस्थान रॉयल्स को पता था कि जॉस बटलर ने जाना है, केकेआर को पता था कि फिल सॉल्ट ने जाना है, इधर आरसीबी को पता है कि विल जैक्स को जाना है, रीस टोपले को जाना है, तो सबको पता है भाई, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये बताएगा कि मुंबई इंडियंस के जो परिस्तार हैं और जिस तरीके से उनका ये कैंपेन रहा है आईपीएल में, कुछ मायूसी आई है लोगों में और इसका ज्यादा मलबा हार्दिक पांड्या के ऊपर डाला जा रहा है। वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसा हो रहा है, जिसमें कई जगह पर थोड़ी गलती हार्दिक की भी है, लेकिन जैसा शुरुआत से मैं हमेशा कहता आया हूँ कि MI मैनेजमेंट को इसको बेटर तरीके से हैंडल करना चाहिए था, क्योंकि आप किसके किसके किसको ला रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस मामले में, कौन जा रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसकी जगह पर उसे रिप्लेस कर रहे हो वो बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो रोहित शर्मा का नाम, उनकी फैन फॉलोइंग, ब्रांड वैल्यू, सब कुछ अगर आप मिला जुला करके देखें तो आपको पता होना चाहिए था कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसका बैकलैश क्या आएगा, और वो चीज अगर आपने बिना सोचे समझे या उसको अगर आपने हल्के में लिया तो आपने गलती करी। और ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इनको पता नहीं था चीजों का, धीरे धीरे पता लगने लगा था कि यार एक आवाज उठने लगी है, एक रेबिलियन एटीट्यूड आ रहा है फैंस के अंदर, और वो उस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं बस, जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट में जाएगा, तो वो चीज शायद इन्होंने नजरअंदाज कर दी, इन्हें लगा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
बट लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट आपको देखने को मिला कि यार वो चीजें आपको इम्पैक्ट करना शुरू कर गई हैं, प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इम्पैक्ट हो रही है, लीडरशिप इम्पैक्ट हो रही है, कैप्टन की टीम मैनेजमेंट स्ट्रगल कर रहा है, जो जो ड्रेसिंग रूम की कमराडरी है वो नहीं आपको दिख पा रही है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं हाफिज भाई, जिसमें हार्दिक पांड्या को मैं बहुत कम जिम्मेदार मानूंगा इन चीजों का, बट एमआई मैनेजमेंट जिम्मेदार है और उनके ऊपर जाहिर सी बात है जैसा आपने कहा कि ये सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी हो गई कि भाई उन्होंने किया है जो गलत किया है, ऐसा है नहीं, वो जहां गलत है वहां आप कह सकते हो, इंडिविजुअली प्लेयर्स का नाम कॉल आउट कर उनको हार का दोषी बताना कभी भी सही नहीं रहता है, कभी भी आप किसी टीम के किसी खिलाड़ी को नहीं बोलते हो कि नहीं जी तूने हराया मैच, तो इस तरह की ओकेजन जब आती है, इस तरह के मोमेंट जब होते हैं, तो ड्रेसिंग रूम में थोड़ी सी यू नो वल्नरेबिलिटी आती है, थोड़ा सा वो थोड़े से अपने आप को कमजोर हारा हुआ और थोड़ा सा यू नो फ्रजाइल समझने लगते हैं, तो मुझे लगता है वही हुआ है इस पूरे के पूरे मसले में। ठीक है, अच्छा ये जो ये भी सुनने में आ रहा है कि ये कहीं डिबेट हो रही है भारत में कि ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है T20 का विराट कोहली और रोहित शर्मा का, और इसके बाद उनकी कोई रिटायरमेंट भी मतलब अलग हो सकती है, रिटायरमेंट कर सकते हैं T20 फॉर्मेट से इंटरनेशनल। विराट का तो मैंने नहीं सुना है, रोहित के लिए मैंने सुना है कि रोहित का ये 2020 जो 4 होगा वो लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा, विराट का आई डोंट नो, विराट फिट भी है बहुत बढ़िया, रन्स भी उनके बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो अगर मेरे हमेशा से इस मामले में दो ही पहलू रहते हैं, अगर आप फॉर्म में हो और अगर आप फिट हो पूरी तरीके से तो आपको खेलना नहीं छोड़ना चाहिए इसमें से कोई भी एक चीज, और मैं हमेशा फॉर्म से ऊपर फिटनेस रखता हूँ, क्योंकि फिटनेस आपको फॉर्म एक बंदे की फॉर्म आपको बढ़िया कर दे सकती है, लेकिन अगर आप फिटनेस में मार खा गए ना तो आप फिर बाकी खिलाड़ियों को भी आपको ढोना पड़ता है, फिर आपको खिलाड़ी छुपाने पड़ते हैं, फिर आप एक बैड एग्जाम्पल के तौर पर रहते हो कि यार अगर ये खेल सकता है बैड फिटनेस के साथ तो हम भी खेल सकते हैं, तो विराट कोहली के स्टैंडर्ड्स बहुत ऊपर के रहे, उन्होंने हमेशा से अगर 10-12 साल अपनी बॉडी को उस तरीके से रखा हुआ है तो उसके उनको जिसे कहते हैं कि दुर्गामी परिणाम जरूर मिलेंगे, आप उनको 5 या 10 साल के लिए आप देखोगे कि वो नॉर्मल बॉडी से अलग बॉडी लगेगी उनकी, जो हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखते हैं या नोवाक जोकोविच को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है ना कि इनकी बॉडी आज भी इनका साथ इसलिए दे रही है बिकॉज उन्होंने मेंटेन कर रखा है उस चीज को, तो विराट के साथ भी वही चीज है, कोई और 36 साल का हो जाए अलग दिखेगा, विराट कोहली 36 साल का अलग दिखेगा, तो मेरे हिसाब से वो चीजें थोड़ा सा समझ में आती है कि तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर फॉर्म और फिटनेस रही तो आप विराट कोहली को 2026 में भी देखो मेरे हिसाब से, बट रोहित के लिए मुश्किल है क्योंकि उनका फिटनेस थोड़ा सा एक इशू रहा है, पिछले 2 साल में उन्हें कुछ नहीं हुआ टच वुड, लेकिन हाँ उसको वो मेंटेन कर कितना आगे तक ले जा पाते वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगले 2 साल तक तो वो भी आपको खेलते हुए दिखेंगे, T20 ना खेले टेस्ट क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट तो खेलेंगे। ठीक है रोहित, ये जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ, जो खिलाड़ी वहां पर टीम इंडिया के लिए मुंतखब हुए हैं इंतखाब के बाद से जब से हुआ है, तो आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंसेस ठीक चल रही हैं और कोई किसी जगह पर दिलचस्पी में कमी तो नहीं आई है जो लोग का नाम आ नहीं पाया वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए? नहीं, हुआ ये कि जिनके नाम भी आए उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बहुत ज्यादा, उसमें भी अगर आप ऊपर से उठाकर देखें रोहित शर्मा के रन्स नहीं है, यशस्वी जायसवाल का 100 है उनके रन्स नहीं है, रोहित शर्मा ने बीती रात ही रन मारे हैं मुंबई में जो मैच था, उसके अलावा अगर आप देख लें ऋषभ पंत का थोड़ा सा स्लो हुआ है टीम में नाम आने के बाद से, फिर आप देख लें हार्दिक पांड्या के रन्स नहीं है, रविंद्र जडेजा के रन्स नहीं है, तो ये top 7 में मैंने आपको 4-5 खिलाड़ी गिना दिए, सिर्फ आप विराट और सूर्या को छोड़ दो, शिवम दुबे अगर खेलते हैं तो आप इन 2-3 को छोड़ दो तो और किसी के रन ही नहीं है उस तरीके से, बॉलिंग में आपके पास अर्शदीप की परफॉर्मेंस नहीं है, मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस आपकी उस तरीके से अच्छी नहीं है, तो ये भी है, बाकी आपके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है, तो अगर आप 11 में से 6-7 खिलाड़ी देख रहे हैं तो ये आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं अभी भी, तो मेरे हिसाब से बल्कि शुभमन गिल ने अच्छे रन किए हैं जिनका नाम नहीं आया अगर आप देखोगे उस तरीके से, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जिनके नाम नहीं आए उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है नहीं आ रही है, बल्कि जिनके नाम आए हुए हैं उनकी परफॉर्मेंस में आपको गिरावट देखने को मिली है। कंसर्न, ये कंसर्न हो सकता है आपके ख्याल में बिल्कुल वर्ल्ड कप से एन पहले? मतलब देखो रन्स हो आपके, इफ यू हैव रन्स अंडर योर बेल्ट तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ ही जाते हो, अब रोहित शर्मा के लास्ट मैच में रन्स आ गए तो आपके पास है बोलने के लिए कुछ कि हाँ यार पिछले मैच में अच्छा कर आ रहा है कोई भी, क्योंकि आप सिमिलर फॉर्मेट भी खेल रहे हो, T20 फॉर्मेट खेल रहे हो, अच्छी लीग है, कॉम्पिटिटिव लीग है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के खिलाड़ी हैं, यही खिलाड़ी आपको T20 वर्ल्ड कप में भी मिलेंगे अलग अलग टीमों के साथ, तो मेरे हिसाब से अगर इन लड़कों के अगेंस्ट भी अगर आप रन बना करके जाते हो तब भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट कहाँ अलग हो जाता है कि आईपीएल में आपको फिर भी एक दो थोड़े से हल्के गेंदबाज मिल जाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको
पांच 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 ओवर के क्वालिटी बॉलर्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से वो चीज जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन वो जो मैटर है वो काफी क्लोज तक चला जाता है। जब आप बोलते हो कि इंटरनेशनल और आईपीएल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो मोटा मोटा एक फर्क है वो मैंने आपको गिना दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर रन अंडर द बेल्ट, लोग कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, अच्छे अच्छे माइंडसेट के साथ उतरते हैं। रन्स ना हो तो आप एक अलग माइंडसेट के साथ जाते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक तो पहुंचाई। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, आने वाले दिनों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, दोबारा बात होगी। थैंक यू इजाजत ऑफिस दीजिए भाई, तमाम थैंक देखने वालों का, बहुत यू, शुक्रिया, थैंक अल्लाह हाफिज।